हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टफ्ड मोदक बनाना बता रही हूं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। गैस पे ये कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। इसके अंदर मैं एक कप ये बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। गैस को आपको बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करते समय इसमें हमें घी या तेल कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। मुझे सूजी को सेकते हुए 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए कलर जो इसका काफी बढ़िया गया, लाइट के कारण थोड़ा सा कलर जो व्हाइट दिख रहा है, लेकिन काफी अच्छे से ये रोस्ट हो गई है। सूजी को मैंने अलग पैन में निकाल दिया है। मैंने एक कप ही घर की फ्रेश मलाई, गैस मेरा ऑन है लेकिन एकदम लो फ्लेम पे, गैस को मैंने बिल्कुल भी तेज नहीं करा। एक कप मलाई है, मलाई आपको फ्रेश ही यूज करनी, रखी हुई यूज नहीं करनी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर 1.5 कप आप दूध ले लीजिए, 4 चम्मच घी ले लीजिए, मतलब लगभग 1/4 कप के करीब रहेगा घी, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। एक ही कप ये मैं शक्कर भी डाल रही हूँ इसके अंदर। शक्कर को मैंने पहले ही नाप के अलग कर लिया था। गैस को बिल्कुल लो रखना है आपको, लो गैस पे शक्कर को अच्छे से हमें मेल्ट होने देना है। शुगर जो है इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे मैंने इसी तरह से चलाते हुए, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें आपको शुगर बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बिल्कुल जिस तरह से कंडेंस मिल्क रहता है उसी तरह से हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए काफी बढ़िया, इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ये तो जो घी है, मलाई का जो घी है वो पूरा हमारा बाहर आने लगेगा। इसी के अंदर मैं 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिए इसे। इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर जो हमने सूजी को भून के रखा था इसे आप पूरा डाल दीजिए। इसे भी हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को हमने पहले अच्छे से भून लिया था, उसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रखा था। गैस को मैंने बिल्कुल लो करके रखा है। अभी देखिए आपको काफी ज्यादा ये लिक्विड लगेगा, थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें बिल्कुल भी घी की जरूरत नहीं है, ना ही दूध की जरूरत है, ना ही कोई दूसरी चीज की, बस 2 चीजों से ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। सिर्फ मलाई ली है मैंने और सूजी। शक्कर तो सबके घर में रहती है, मलाई भी अगर नहीं मिलती तो उसका ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं है, इसे हम बस थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक करा है, बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना। ये देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे ये ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा। अगर इसे हम ज्यादा गाढ़ा कर लेंगे, अभी इस टाइम पे अगर ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो एकदम हार्ड हो जाएगा हमारा। बस मैं इसी स्टेज पे गैस को बंद कर रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे सूजी का। जब तक हमारा ठंडा हो रहा है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे स्टफ मोदक बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे इसी तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 2 चम्मच मैंने मिक्स्ड फ्रूट ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच किशमिश। थोड़ा सा मोदक में डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ, अगर आपके पास फ्लेवर रखा है तो कोई भी इसमें फ्लेवर आप डाल सकते हैं, रोज फ्लेवर डाल सकते हैं, वेनिला फ्लेवर डाल सकते हैं, पाइनएप्पल जो आपके पास है उसे आप यूज कर सकते हैं। मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, लगभग 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें एसेंस डालूंगी। इससे स्टफिंग में से काफी बढ़िया खुशबू आएगी, आप चाहे तो बाहर भी डाल सकते हैं। जो हमने सूजी का तैयार करा है, लगभग मैंने 1 चम्मच लिया है, इसमें डालने से स्टफिंग के अंदर बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी, या फिर आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से रहेगा कि हमारा ये खराब जल्दी हो जाएगा। इसे आप मिक्स कर लेंगे, काफी गर्म है अभी ये। बस हमें इतना ही इसे बनाना था, इसलिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही इसे यूज करा है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके छोटे साइज के आप इसे बॉल जैसी बना के और तैयार कर लीजिए। बस इतने बड़े साइज के हमें बनाना है, आसानी से बन जाएगी।
इस तरह से मैं सारी बना के तैयार कर लूंगी। स्टफिंग भी हमारी स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो चुकी थी, ये भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा होने लगा है, बस इतना ही हमें इसे करना है। मैंने इसे 10 मिनट पंखे की हवा में ठंडा करा है। मैंने मोदक बनाने वाले ला, इसमें मैंने घी या तेल कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हमारा घी डला हुआ है, मतलब जो मलाई का घी बना है वो हमारा डला हुआ है। इसके अंदर इसे हम डाल देंगे। अभी ये हल्का गर्म है इसलिए अभी भी थोड़ा सा ये नरम है, इसे मैंने पूरी तरह से ठंडा नहीं करा है। इस तरह से अच्छे से इसे चारों तरफ दबाते हुए नीचे तक अंदर तक अच्छे से आपको इसे भरना है। देखिए पूरा हमारा अंदर ये भर गया है, बीच में मैंने इसे गड्ढा जैसे थोड़ा सा रखा है। एक जो हमने बॉल बना के रखी है स्टफिंग की, इसे आप डाल दीजिए। उसके बाद इसे पूरा कवर कर दीजिए। इतना सारा इसमें से प्रेस करेंगे आप तो घी जो हमारी मलाई का है पूरा इसमें से बाहर आने लगेगा। इसे मैं अच्छे से दबा दूंगी, अच्छे से मैंने इसे प्रेस कर दिया है। इसे हम खोलेंगे, धीरे से ही इसे आपको निकालना है क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है। ये देखिए कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट इसका शेप है, जो यहाँ से रहता है थोड़ा सा इसे बस प्रेस कर दीजिए। कितने बढ़िया मोदक बन रहे हैं। आपको मैं एक तरीका और बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी पिस्ता की कतरन लिए, थोड़ी सी मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए, आप चाहे तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं। मैंने स्टफिंग में लिए इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाले। इसी से हम थोड़ा सा दबा देंगे, उसके बाद इसे आप अच्छे से नीचे तक दबाइए ताकि इसका जो नीचे का शेप रहता है वो हमारा बढ़िया आ जाए। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये हमारा ड्राई होता जाएगा। उसके बाद एक जो हमने बॉल बनाई है इसे आप डाल दीजिए। इसके बाद इसे आप पूरा कवर कर दीजिए। यहाँ से जो एक्स्ट्रा रहता है इसे भी आप पूरा निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से बनाने से ये रहेगा कि हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें काफी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसके मैंने पहले वाले भी एक वीडियो डाला था मेरा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से चिपकाना है। ये कितना बढ़िया कितना सुंदर, खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लूंगी। जो मेरे बचे हुए ड्राई फ्रूट बचे हैं मैं सारे इसी के अंदर डाल दूंगी, इसे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। ये देखिए ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया है, अभी भी जहां ज्यादा है वहां थोड़ा सा गर्म है। ये देखिए जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा काफी अच्छे से ये सेट हो जाएगा, आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। शुगर को बस आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। कैसा ड्राई जैसा होने लगा, वो एकदम बहुत ज़्यादा आपका इसका पाउडर जैसे ड्राई नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा नरम ही रहेगा, अभी गर्म है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी सारे मेरे मोदक बन चुके, लास्ट के सिर्फ ये दो या तीन बचेंगे। ये देखिए मैं चीज़ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि इतना गीला है ये किस तरह से हमारे इसके मोदक बनेंगे। ये देखिए जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है पूरा ड्राई होता जाएगा। सारे मोदक मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। गणेश जी के भोग में आप दूबी का भोग जरूर लगाइए, दूबी सबसे ज्यादा प्रिय रहती गणेश जी को। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। एक पीस मैं आपको उठाकर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने। ये देखिए कितने पूरे ड्राई हो गए हमारे। ये उस टाइम पे आपको एकदम लग रहा था कि एकदम गीले हैं, किस तरह से ये बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। ये देखिए कितने आसानी से उठा सकते हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है। जो हमने कटिंग करी थी बादाम पिस्ता वो सारी मैंने इसी में डाल दी थी, उससे और ज़्यादा ये सुंदर दिख रहे हैं। स्टफिंग में अंदर हमने भरी दी है, इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। घर की चीज़ों से ये हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।